ये कार्यक्रम पिछले कई घंटों से निरंतर चल रहा है और आप सब बहुत सारे कृषि विशेषज्ञों से, बहुत सारे उनकी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं नई से नई कृषि पद्धतियों के संबंध में, उसे प्राप्त कर चुके हैं। आप सभी किसान भाई जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की एक महती भूमिका है। ग्रामीण आबादी लगभग 70% आज भी कृषि पर ही अपनी आजीविका चलाने का काम करती है और इसमें भी 80% हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं। देश की सकल घरेलू आमदनी में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स का जो योगदान है वो लगभग 18% है और आप जानते हैं कि आज देश की आबादी 142 करोड़ हो चुकी है। दुनिया की सर्वाधिक आबादी आज भारत में है, दुनिया की 18% आबादी आज भारत में है और बढ़ती हुई आबादी के साथ भूमि पर दबाव भी है, संसाधनों पर दबाव भी बढ़ता है, बढ़ती हुई आबादी की मांग भी बढ़ती है और उसकी आपूर्ति भी हमें करनी है और इसलिए कृषि पर निरंतर हमें काम करने की जरूरत है कि हमारी कृषि की जो उत्पादकता है वो समय के साथ और बढ़े। आज का ये जो कार्यक्रम है, खास तौर से भारत सरकार के जो तमाम प्रयास हैं कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के दृष्टिगत, उन्हें आप तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। हमारे देश के अंदर किसान भाइयों ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि कोरोना में जब पूरी दुनिया तहस नहस हो रही थी, उस दौरान भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ने कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। दृष्टि से अगर हम गेहूं की, चावल की बात करें तो हमारा देश केवल आत्मनिर्भर नहीं है, अभी तो हम दुनिया के तमाम देशों में अपना गेहूं, अपना चावल निर्यात भी करते हैं और इसी चुनार क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के समीप ग्लेन हिल स्कूल के नजदीक में मेरे मंत्रालय द्वारा कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर का भी शिलान्यास किया गया है। आप सभी जानते हैं भारत तेजी से खाद्यान्न का निर्यात कर रहा है। पिछले वर्ष हमने $50 बिलियन का खाद्यान्न निर्यात किया था, लेकिन गेहूं, चावल, हमें इसके आगे भी बढ़ना है। जब बात दलहन और तिलहन की होती है तो हालांकि हमारे देश में है, अगर हम तिलहन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से सरसों, अलसी, मूंगफली, हमारे क्षेत्र में मूंगफली, लेकिन अगर आप मोटे स्तर पर देखें तो गुजरात राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, राजस्थान में सरसों, मध्य प्रदेश में सोयाबीन, कर्नाटक में सूरजमुखी, दक्षिण भारत में नारियल, कई जगह तिल की खेती, अरंडी की खेती। तो ऐसा नहीं है कि तिलहन का उत्पादन नहीं है, लेकिन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को दलहन और तिलहन में हम प्राप्त नहीं कर पाए और भारत सरकार इस पर विशेष बल दे रही है कि देश के किसान दलहन और तिलहन की खेती भी ज्यादा करें। दलहन और तिलहन की खेती के क्षेत्रफल का भी निरंतर विस्तार है। तिलहन के मामले में हम आयात पर निर्भर हैं,
यानी अपनी घरेलू जरूरतों को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दूसरे देशों से खाद्य तेल हमारे देश में आता है। 14 बिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर हम खाद्य तेलों का आयात करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम दलहन और तिलहन की खेती के क्षेत्रफल को निरंतर बढ़ाएं, जो घरेलू आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो करें ही, लेकिन साथ ही साथ जैसे हम खाद्यान्न का निर्यात कर रहे हैं, दूसरे देशों को हम भेज रहे हैं, वैसे ही हम इतनी पर्याप्त मात्रा में इसका उत्पादन करें कि हम दूसरे देशों में निर्यात करने की स्थिति में पहुंच सके। तो इसके लिए निरंतर जो सरकार प्रयास कर रही है उसमें कृषि की नई पद्धतियों को आप कैसे अपनाएं, कृषि के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी आ रही है उसको आप कैसे अपनाएं, आपने बहुत सारे विशेषज्ञों के अभी प्रशिक्षण को भी सुना, उन्होंने आपको बताया होगा कि उन्नत किस्म के बीज यदि आप उपयोग करेंगे तो उसके क्या लाभ हैं, सीड ट्रीटमेंट यानी बीज को उपचारित करने के कौन कौन से तरीके हैं, उसके क्या फायदे हैं, राइजोबियम कल्चर के बारे में भी आपको बताया गया होगा जो एक किस्म का जैव उर्वरक है जिसके माध्यम से आप कीट रोगों से पौधों को मुक्त कर सकते हैं, पौधों का बेहतर अंकुरण कर सकते हैं, पौधों का बेहतर विकास हो सकता है। तो ये तमाम किस्म की जो नई कृषि पद्धतियां हैं उसके संबंध में उन्होंने आपको जानकारी भी दी होगी। सरकार भी आपको उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराना चाहती है ताकि खेती की पैदावार उत्पादकता में वृद्धि हो, और इसलिए जो हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को अभी मिनी बीज किट दिया गया, इस तरीके के प्रयास पूरे देश भर में चल रहे हैं। और आप इसका आपको मिनी बीज किट के साथ साथ जीवामृत दिया गया, बीज अमृत दिया गया, इसको भी आप अपने खेतों में उपयोग करें। आज हम जैविक खेती को और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी बल दे रहे हैं, क्योंकि आज चाहे मिट्टी हो, चाहे वायु हो या जल हो, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। और यही कारण है कि जब जिस हवा को हम अपने शरीर में लेते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस जल को हम अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, जिस मिट्टी में उपजा हुआ अन्न हम ग्रहण करते हैं, जब वो जल वायु मिट्टी सब प्रदूषित है, क्योंकि हम रासायनिक उर्वरकों को इतने सालों से लंबे समय तक उपयोग करते आए हैं कि हमने मिट्टी के पोषक तत्वों को भी समाप्त कर दिया, मिट्टी की सेहत को भी बिगाड़ दिया और जलवायु भी प्रदूषित हो गया। तो हमारे शरीर के अंदर जो हम ग्रहण कर रहे हैं जब वो प्रदूषित है तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर कैसे हो सकता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज इतने गंभीर रोगों से लोग ग्रस्त हो रहे हैं, संकेत है कि आने वाला समय कितना खराब हो सकता है। और ये सही समय है कि हम अपनी भावी पीढ़ी के बारे में सोचें। आज जरूरत है कि हम अपने कुछ पारंपरिक खेती के जो तौर तरीके थे, जैविक खेती को, प्राकृतिक खेती को हम पुनः अपनाएं, जिससे हमारी मिट्टी पानी जल की सेहत भी दुरुस्त रहे और जो उससे हम अन्न फल फूल सब्जियां जो भी पैदा करते हैं उसमें कोई हानिकारक रसायन ना हो, और हमारे शरीर के अंदर जब वो प्रवेश करे तो हमें स्वस्थ बनाए, हमें रोगग्रस्त ना बनाए। इसलिए जैविक खेती को, प्राकृतिक खेती को भी अपनाना जरूरी है। तो हम सभी आज आपके बीच यही आग्रह करने के लिए आए हैं कि हमें सरकार द्वारा प्रदत्त तमाम सुविधाओं का लाभ उठाते हुए निरंतर दलहन और तिलहन की खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने की आवश्यकता है, जैविक और प्राकृतिक खेती को भी अपनाने की आवश्यकता है, और इसके साथ ही हमारे भोजन की थाली अधिक पौष्टिक कैसे हो, जो खास तौर से देश के जल संकट से ग्रस्त इलाके हैं उसको ध्यान में रखते हुए
हम श्री अन्न की खेती को भी बढ़ावा दें।